बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे दही भिंडी मसाला, क्विक इजी और सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैंने ले लिए है भिंडी, प्याज, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, दही, ऑयल और ड्राई दो सूखी मिर्चें ले ली हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर। सबसे पहले हम भिंडी को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक भिंडी ले ली है, इसके साइड्स हम कट करके निकाल देंगे और आपको जितने बड़े इसको कट करना है कट कर ले। यहाँ पर मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं एक भिंडी से और बीच में हम इसमें कट्स लगा लेंगे। इसी तरीके से हम सारी भिंडियाँ तैयार कर लेंगे। सारी भिंडियों को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। सभी भिंडी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, इसे हम करते हैं साइड। यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून दही, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे, उसे हम बाद में डालेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर, इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने दही में मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसे करते हैं साइड। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। पहले भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें भिंडी को डाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने 300 ग्राम भिंडी ले ली है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हमने 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। भिंडी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी पैन में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हींग, सूखी 2 लाल मिर्च जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। 1 मीडियम साइज की कटी प्याज, गैस को अच्छे से सौते कर लेंगे, भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, नमक टेस्ट के हिसाब से। इन सबको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये दही में जो मसाले हमने मिक्स कर लिए थे, इसका पेस्ट। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर ढककर 2 मिनट तक पका लेंगे। मसालों को पकते 2 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे जो भिंडी हमने फ्राई कर ली है। भिंडी को हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे, फिर अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे, इसमें हम हल्की सी ग्रेवी रखेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी डाल दिया है, आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल लें। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब हम इसे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे भिंडी के पकने तक पका लेंगे। 7 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी बन करके तैयार है, भिंडी भी हमारी अच्छे से पक गई है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। दही भिंडी मसाला हमारा बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।